गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साल्ट। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट साल्ट, साल्ट इट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्मड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव साल्ट एंड वाटर। And we have already discussed salt. It consists of both positively charged ion and negatively charged ion. Salt, it is made up of cation and anion. Basically, we have studied neutralization reaction. Acid plus base give salt and water. एसिड प्लस बेस की सोल्ट एंड वाटर। तो सोल्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सोल्ट जो है वो कैटायन और एनायन दो आयन से मिलकर बना होता है, और इन एनी सोल्ट कैटायन इज रिटर्न फर्स्ट एंड एनायन इज रिटर्न आफ्टर दैट। फॉर एग्जांपल NaCl की अगर बात करें, सोडियम क्लोराइड, इट इज मेड अप ऑफ टू आयन, Na प्लस आयन सोडियम आयन एंड Cl माइनस आयन क्लोराइड आयन। बेसिकली रिएक्शन को अगर लिखा जाए, एसिड HCl प्लस NaOH बेस साथ में क्या होगा, एक्वस। एज यू नो, एसिड और बेस को भी अगर हम लेते हैं तो वो वाटर के साथ अगर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तभी वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो HCl एक्वस प्लस NaOH एक्वस इट विल गिव NaCl एक्वस प्लस H2O वाटर लिक्विड। तो NaCl की फॉर्मेशन को ध्यान से अगर देखें, NaCl में जो Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, Na प्लस आयन कम्स फ्रॉम द बेस। Na प्लस आयन कहां से है, बेस से आया है, एंड Cl माइनस आयन इट कम्स फ्रॉम एसिड। तो यहां पर Na प्लस आयन फ्रॉम बेस एंड Cl माइनस आयन फ्रॉम एसिड। बेस कंसिस्ट ऑफ OH माइनस आयन एंड एसिड्स कंसिस्ट ऑफ H प्लस आयन। तो यहां पर अगर इसके साथ में Na प्लस के साथ में OH माइनस का फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH। इसी तरीके से अगर Cl माइनस है इसके साथ में H प्लस ऐड करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, HCl फॉर्मूला बन जाता है। तो इट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द साल्ट विच इज मेड अप फ्रॉम द कैटायन एंड एनायन, that cation or anion comes from which base and which acid। तो यहाँ पर NaCl का केस आपने पढ़ा, NaCl के अंदर जो Na plus ion है और Cl minus ion है, both have come from, Na plus have come from NaOH base and Cl minus ion have come from HCl acid। ये तो आपको पता चल गया कि कहां से किसी भी साल्ट से ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस साल्ट में बेस कौन सा यूज हुआ है और एसिड कौन सा यूज हुआ है। अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल AlCl3 की बात करें, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट कंसिस्ट ऑफ Al3 प्लस आयन कैटायन एंड Cl माइनस आयन एनायन। अभी मैंने आपको बताया कि जो कैटायन पार्ट है इट कम्स फ्रॉम द बेस एंड एनायन पार्ट कम फ्रॉम द एसिड। तो इसके साथ में Al3 प्लस अगर इसके साथ में OH माइनस मिला दें तो जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी AlOH होल थ्राइस, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ में H प्लस आयन डालें तो H प्लस और Cl माइनस, तो क्या बनेगा यहाँ पर, HCl। तो इट मींस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसके बेस पर अगर हमें डिफाइन करना हो व्हाट इज साल्ट, क्या बोलेंगे इसके बेस पर हम, साल्ट क्या है, साल्ट इट इज द सब्सटेंस, इट इज द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस
कैटायन ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम बेस एंड एनायन ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम एसिड। तो जो सॉल्ट का कैटायन है वो कहां से आता है, बेस से आता है, और जो एनायन है वो कहां से आता है, एसिड से आता है। तो इस तरीके से हम जो है सॉल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। और आपको ये बता दें कि किसी भी सॉल्ट के अंदर कैटायन और एनायन कौन सा है, और कैटायन जो है किस बेस से आया है, एनायन किस एसिड से आया है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट, सेकंड बेसिक सॉल्ट, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, हाउ विल वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सॉल्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स, एसिडिक सॉल्ट, सेकेंड वन इज बेसिक सॉल्ट, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल सॉल्ट। सो वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन। फर्स्ट इज एसिडिक सॉल्ट। The salt which is made up of strong acid and weak base is called acidic salt। यानी कि वो salt जो strong acid और weak base से मिलकर बना उसे हम क्या बोलते हैं, acidic salt बोलते हैं। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट एटसेट्रा। कैसे इसको प्रूव करेंगे, अमोनियम क्लोराइड इट कंसिस्ट ऑफ NH4 प्लस आयन कैटायन एंड Cl माइनस आयन एनायन, एंड वी नो कैटायन पार्ट कम फ्रॉम द बेस एंड एनायन पार्ट कम फ्रॉम एसिड। तो बेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस और यहां से H प्लस एंड Cl माइनस। फॉर्मूला ऑफ बेस इज NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड फॉर्मूला ऑफ एसिड इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिस इज वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अमोनियम क्लोराइड जो है ये आपका जो साल्ट है इट इज मेड अप ऑफ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ध्यान से देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इट विल गिव न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस इट विल गिव एसिडिक सॉल्ट, एंड थर्ड वन इज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इट विल गिव बेसिक सॉल्ट। तो यहां पर ध्यान से देखें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी साल्ट फॉर्मेशन के लिए एसिड या बेस दोनों में से किसी एक का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, या फिर दोनों भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। बट अगर हम वीक एसिड लें और साथ में वीक बेस लें तो यहां पर नो साल्ट फॉर्मेशन तो यहां पर साल्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज दोनों जो है लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे, दोनों की डिसोसिएशन वेरी वीक होगी, इन दैट केस साल्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर के जो साल्ट बनाएंगे दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग एसिड हो वीक बेस हो दैट इज
जो भी स्ट्रॉन्ग है वो एसिडिक साल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में बेसिक साल्ट बनता है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल सॉल्ट होगा। सेकंड जो हमने लिखा है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में अमोनियम आयन होता है NH4 प्लस आयन, सल्फेट होगा SO4 2 माइनस आयन। कैटायन कम फ्रॉम द बेस, इसके साथ में जो आयन यूज करेंगे OH माइनस आयन यूज करेंगे बेस के लिए। फॉर्मूला ऑफ बेस क्या होगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एसिड के लिए क्या H प्लस ऐड करेंगे, H प्लस और SO4 2 माइनस। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है कि हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, तो वहां से आप इसको यूज करेंगे। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इट कम्स फ्रॉम H2SO4, यानी कि यहाँ से H प्लस और सल्फेट आयन से जो फॉर्मूला बनेगा क्या होगा, H2SO4 बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आपका ये वीक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड के आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अभी आपने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है कैसा होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है। तो इसी तरीके से आप जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द गिवन सॉल्ट इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। सेकंड, इसी में चेंज कर रहा हूं मैं, बेसिक सॉल्ट, द सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट, इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। यहां पर हम एग्जांपल लेंगे, अब की बार हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एसिड वीक होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम बात करें, एग्जांपल हमारे पास पोटासियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट एक्सेट्रा। तो यहां से हम एग्जांपल वन एग्जांपल डिस्कस करते हैं पोटासियम एसीटेट का। पोटासियम एसीटेट पोटासियम के प्लस आयन है, एसीटेट CH3COO- माइनस आयन है। कैटायन पार्ट कम फ्रॉम द बेस, तो इसके साथ में किस बेस से आया है, OH माइनस, जो इसके साथ यूज करके फॉर्मूला बनाएंगे तो K प्लस OH माइनस सेम जो है अपोजिट चार्ज है और प्लस वन और माइनस वन है तो दोनों को रिमूव कर देंगे। फॉर्मूला ऑफ बेस इज KOH। एसिड के लिए क्या करते हैं, H प्लस आयन यूज करेंगे साथ में और फॉर्मूला ऑफ एसिड विल बी CH3COOH, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ द एसिड, अदरवाइज इट्स नेम इज इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH जो है दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड दिस इज वीक एसिड। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट हमारा बनेगा दैट विल बी बेसिक सॉल्ट। सेम यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द सोडियम एसीटेट एंड सोडियम फॉर्मेट। सेकेंड टाइप बेसिक सॉल्ट कंप्लीट हो गए। थर्ड वन न्यूट्रल सॉल्ट, द सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो सॉल्ट बनेगा दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जांपल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट
पोटासियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एटसेट्रा। तो इसमें भी हम वन एग्जांपल जो डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट को हम डिस्कस करते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम Na प्लस आयन होता है, सल्फेट SO4 टू माइनस आयन है, कैटायन Na प्लस कम्स फ्रॉम द बेस, Na प्लस OH माइनस बेस, तो Na प्लस और OH माइनस फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। सल्फेट के लिए H प्लस इसके साथ हम यूज करेंगे H प्लस SO4 टू माइनस, फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ से दैट इज H2SO4, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 से मिल करके हमारा सोडियम सल्फेट बना हुआ है। इस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई द साल्ट, गिवन साल्ट फ्रॉम विच एसिड और बेस इट इज ऑब्टेन्ड। लास्ट टाइम 2 ईयर्स अगो CBSE में क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम द गिवन टेबल, उन्होंने टेबल दी हुई थी और ये बोला गया था आउट ऑफ दिस टेबल विच सॉल्ट विल यू कलेक्ट फ्रॉम योर लेबोरेटरी टू फॉर्म द गिवन सॉल्ट एसिड और बेस की लिस्ट आपको दी गई है। और आपको ये बोला गया था कि किस एसिड या बेस का यूज करके आप गिवन सॉल्ट को आप ऑब्टेन करोगे, उसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है एसिड और बेस, वीक एसिड और वीक बेस ऐसे दिए हुए थे। और आपसे पूछा गया था कि एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट को बनाने के लिए कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सॉल्ट या गिवन कंपाउंड में एसिड कौन सा यूज हुआ है, बेस कौन सा यूज हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गिवन सॉल्ट, वेदर द गिवन सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्ट कैसा होता है। दिस इज असाइनमेंट फॉर टुडे, व्हाट इज सॉल्ट, गिव एनी टू एग्जांपल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट, आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्ट फ्रॉम विच एसिड और बेस दीज आर ऑब्टेन्ड, ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर द whether these are acidic, basic or neutral salt, sodium nitrate, potassium acetate, ammonium nitrate, sodium sulfate, ammonium acetate, etc. Last one is what is neutralization is. I hope this topic is clear to all of you. Thank you and have a nice day.